हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि WPI एंड CPI। अब ये WPI एंड CPI होता क्या है? ये मेजरमेंट्स होते हैं, ये एक तरीका होता है जैसे कि हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को मेजर करते हैं, महंगाई को नापते हैं। महंगाई क्या होता है? महंगाई इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है उसका वीडियो मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ टुडे, जो कि है WPI एंड CPI। सबसे पहले पढ़ते हैं WPI क्या होता है। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मतलब चीज़ों को जब हम बल्क में लें, ठीक, थोड़ा थोड़ा ना लें, एक साथ ले आएँ। जैसे कि अगर हमें नमक का पैकेट चाहिए तो एक पैकेट नहीं, पूरा 50-100 पैकेट ले आएँ, पूरा गत्ता ले आएँ नमक का, दैट इज़ होलसेल। ठीक, प्राइस इंडेक्स मतलब हम कैसे उसको मेजर करेंगे, उसके प्राइस को। सबसे पहले आ जाते हैं कुछ पिन पॉइंट्स पे। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। अच्छा, करेंट टाइम पे जो इंडिकेटर है जिससे RBI मतलब जिससे RBI ने बोला है कि हम इस इन्फ्लेशन मेजर करेंगे, वो है CPI। बट CPI से पहले कौन सा वाइडली यूज था? इट वॉज WPI। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत टाइम से चल रहा है WPI। WPI को हम एज अ इन्फ्लेशन मेजर करते रहे WPI इंडिकेटर से, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि WPI पब्लिश कौन करता है महंगाई को मेजर करने के बाद? तो इट वॉज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट आर इंक्लूडेड। अब देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि होलसेल में ख़रीदी जाए, ठीक है। रिटेल में पहुंचने से पहले, अगर सपोज़ मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने बल्क में ढेर सारी चीज़ें ख़रीद ली और जाकर उसे रिटेलर को देती, रिटेलर को देने से पहले पहले मैंने जो चीज़ें बल्क में ख़रीदी थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट का मेजरमेंट होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल। मतलब सबसे पहले मैंने ख़रीदा बल्क में, तो मैं सबसे पहली बंदी हुई, फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद जाकर मैंने उसे किसी रिटेल को बेच दिया, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल मेरे पास माना जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैंने चीज़ें खरीदी थी, उस टाइम पे चीज़ों का दाम क्या था? अगर मैंने नमक का पैकेट खरीदा था वो कितने का था, बिस्किट खरीदे तो वो कितने के थे, एज अ होल सेल में कितने के थे, वो सारी चीज़ें वहाँ से मेजरमेंट होता है, ठीक है। होल सेल में सबसे पहले जो बंदा ख़रीद रहा है, बिफोर रिटेल चेन में जाने से पहले, उस बंदे के पास वो चीज़ें कितने की थी, उससे हम मेजर करते हैं अपना WPI। बेस ईयर क्या है? 2011-12 बेस ईयर। मतलब बेस ईयर का ये मतलब है कि हम एज अ बेस मानते हैं 2011 को। सपोज़ जैसे कि मेजर करेंगे कि मैंने नमक का पैकेट ख़रीदा था 2011 में, नमक का पूरा एक होलसेल बल्क पूरा गत्ता ख़रीदा था, उस टाइम पे 2011 में वो गत्ता मुझे 1000 रुपये का मिला था, ठीक। आज की डेट में 2021 में अगर मैं ख़रीद रही हूँ तो वो मुझे पूरा गत्ता नमक का सेम पैकेट मुझे मिल रहा है 1500 रुपये का, ठीक है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि बेस ईयर 2011 से 2021 में 10 साल में हमारी जो महंगाई है वो कितनी हो गई, 500 रुपये बढ़ी है नमक के ऊपर। तो इससे हमारा इन्फ्लेशन होलसेल से मेजर होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने सिर्फ नमक का एग्जांपल दिया है, बाकी और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि सपोज़ कोई रिफाइंड ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल का सपोज़ गद्दा 2011 में 2500 का मिलता था, 2500 का, ठीक। अब वो पूरा का पूरा गत्ता आज की डेट में महंगा होकर 4000 रुपये में मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ी है ना, एज अगर हम कंपेयर करेंगे एज अ बेस ईयर, तो बेस ईयर हमारा क्या है, 2011-12, एंड करंट ईयर क्या है, 2021। तो 2011 वाला हमारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर से ही तो हम करंट को मेजर करेंगे कि भाई बेस में इतना था और अब भाई 4000 हो गया, तो मतलब कि देर हैज़ बीन इंक्रीमेंट इन द प्राइस। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये हमारा WPI है। दूसरी चीज़ लिखी हुई है जनरल पब्लिक डिसऑर्डर। अच्छा हाँ, एक इसका क्रिटिसिज्म ये है WPI का कि भाई नॉर्मल इंसान है हम सब, हम बल्क में थोड़ी ना लेते, और ये वाला जो प्राइस इंडेक्स है ये चीज़ों को बल्क में मेजर करता है, लेकिन हम चीज़ों को बल्क में नहीं खरीदते। तो ये एक इसका एक थोड़ा सा डीमेरिट है या एक क्रिटिसिज्म है कि जो कि हम इस वजह से WPI को अब यूज़ करना बंद कर चुके हैं। और दूसरा इसका एक क्रिटिसिज्म है कि इट मेजर्स ओनली गुड्स, सर्विसेज को ये इंक्लूड नहीं करता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट WPI। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।
कि ये पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब क्या है इसका, बेस ईयर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर आप इसे याद कर लें, अपने आंसर में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन कम CPI विच इज़ नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक खास बात सबसे पहले यही है कि ये रिटेल फॉर्म में है, ठीक, कंज्यूमर के हिसाब से जितना कंज्यूमर लेता है उस हिसाब से मेजरमेंट हो जाती है। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है, ये होलसेल जितना बल्क में लेते हो, यहाँ पर क्या होता है जितना आप एज अ कंज्यूमर जितना लेते हो, एक नमक का पैकेट लेंगे, एक ऑयल का पैकेट लेंगे, बिस्किट का पैकेट ले लिया, एक बल्क में थोड़ी ना लिया कि पूरा पूरा गत्ता लिया, एक टूथपेस्ट ले लिया, साबुन का वो ले लिया, पूरा जो सेट आता है एक चार के साथ एक फ्री, वो सारी चीज़ें ले ली, हम बल्क में चीज़ों को नहीं लेते। तो ये वाला प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर जिस तरीके से ख़रीदता है उसे मेजर करता है। अब समझते हैं कि है क्या। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। ये किसके हिसाब से मेजरमेंट करता है प्राइस चेंज में, एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल इंसान जो कि रिटेल में चीज़ों को ख़रीदता है, होलसेल में चीज़ों को नहीं ख़रीदता। दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, इट एग्जामिन्स द वेटेड एवरेज मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। अब ये देखिए, ये गुड्स को भी मेजर करता है कि एक नॉर्मल कंज्यूमर कितने गुड्स ख़रीद रहा है, प्लस सर्विसेज को भी मेजर करता है, ठीक है। अब CPI चार तरीके के होते हैं। पहला है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स IW, CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स सॉरी लेबरर्स AL, CPI फॉर रूरल लेबरर्स RL एंड CPI फॉर रूरल नर्बल कंबाइंड, ठीक। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि IW मतलब ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स, AL मतलब ये वाला एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड RL मतलब कि रूरल, इन तीनों में अगर इन्फ्लेशन आए तो इन तीनों को कौन मेजर करता है, इट इज़ कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये लास्ट वाला रूरल एंड अर्बन कंबाइंड वाले CPI को कौन मेजर करता है, इट इज़ कंबाइंड बाय CSO जो कि है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल यूनिट जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। ये मिनिस्ट्रीज याद करिएगा, इसे आंसर में लिखेंगे तो सही रहेगा। अब CPI का क्या बेस ईयर है, CPI 2012 को बेस ईयर मानता है, ठीक। सपोज मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने 2012 में एक TV ख़रीदा था, वो TV मुझे सपोज़ 2012 में 15,000 रुपये का पड़ा, ठीक। अब अगर वही सेम चीज़ मैं ख़रीद रही हूँ फिर से 2021 में, तो वो TV मुझे मिल रहा है सपोज़ 20,000 रुपये का, ठीक। तो क्या कहा जाएगा कि आपकी जो महंगाई है 5,000 रुपये बढ़ी है TV के ऊपर, 2012 में कितनी थी 15, 2021 में कितनी है 20, तो मतलब कि देर हैज़ बीन इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब मैं TV बल्क में तो ले नहीं लूँगी कि हाँ चलो ठीक है भाई 10 सेट LED निकाल दो, 10 सेट फलाने TV के निकाल दो, ऐसा नहीं है। मैं लूँगी तो एक सिंगल लूँगी क्योंकि मैं एक रिटेल बायर हूँ, और हमारे इंडिया में अभी करेंटली जो प्राइस इंडेक्स चल रहा है वो है CPI, ठीक। बेस ईयर 2012 है। IW का बेस ईयर चेंज किया गया था, IW मतलब CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनका बेस ईयर चेंज किया गया था 2016 किया गया अभी रिसेंटली, बाकी चीज़ों का बेस ईयर क्या है 2012। अब ये अगर अपना कुछ मेजर करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर ने कितना चीज़ों का क्या किया, तो वो अपना बेस ईयर 2016 मानते हैं, बाकी हम सब जितने नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं हम सब का बेस ईयर 2012 लेकर ही हमारा इन्फ्लेशन जो है वो मेजर किया जाता है। ऑलराइट, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा CPI और WPI। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं कि भाई ये क्या है, बड़ा मैथमेटिकल सा टर्म है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कैसे इंडिया में महंगाई को मेजर किया जाता है, कैसे इंडिया में महंगाई को नापा जाता है, ठीक है, तो इन दो तरीकों से नापा जाता है। पहले ये चलता था, उसके बाद ये क्रिटिसिज्म आ गए कि भाई एक नॉर्मल इंसान तो होलसेल में चीज़ें नहीं लेता ना, तो ये गलत इंडेक्स है, तो इस वजह से अब CPI फॉलो होता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं इन्फ्लेशन के दो पार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, उसके लिंक्स मैं शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, एंड गॉड ब्लेस यू।